नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में जो गैस स्टोव को बैन करे जाने की बात करी जा रही है कुछ जगहों पे उसके बारे में। दरअसल यूएस रेगुलेटर्स और स्टेट लॉ मेकर्स ने कहा है कि वो आने वाले समय में नेचुरल गैस स्टोव्स को बैन कर सकते हैं। कुछ ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं उनका यह भी कहना है, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में जो की हैं खास करके, कि गैस स्टोव्स जो हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं, इसीलिए उन्हें बैन किया जाना चाहिए। ये पाया गया है कि गैस कुकिंग अप्लायंसेस अर्थ वार्मिंग मीथेन को एमिट करते हैं और ये कंसर्न है क्लाइमेट चेंज के लिए। इसके साथ ही रेस्पिरेटरी इश्यूज भी इसके कारण देखने को मिले हैं। इवन चाइल्डहुड अस्थमा भी इसका कारण पाया गया है कुछ स्टडीज़ में। गैस स्टोव्स जब यूज़ में नहीं होते तब भी टॉक्सिक केमिकल्स एमिट करते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। कुछ सिटी ऑफिशियल्स यह चाहते हैं कि न्यू फॉसिल फ्यूल हीटिंग इक्विपमेंट की जो सेल है उसे बैन कर देना चाहिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने ऑब्जर्व किया था सन 2020 में यह भी कि 13% के अराउंड यूएस ग्रीन हाउस गैस एमिशन कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूसेस से देखने को मिली हैं। ऑफिशियल ने इवन ये भी कहा है कि अगर स्विच करता है कोई भी व्यक्ति गैस स्टोव से इलेक्ट्रिक वाले इक्विपमेंट्स में तो उन्हें रिबेट भी मिल सकता है $840 तक का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत। तो दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। धन्यवाद।